हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो पॉलिटी सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। तो थोड़ा अगर बैकग्राउंड में जाए तो अगर आपने सारी वीडियोस मेरी देखी है, नहीं भी देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अगर पॉलिटिकल साइंस फोल्डर देखेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियोज सारी चैप्टर वाइज दिखेंगी। तो उसमें जो आपका चैप्टर 25 हमने किया था, तो जो हमारा वीडियोस का थंबनेल होता है, वीडियो आपको फोटो दिखती है मेरी इमेज के साथ, जो मैं टॉपिक लिखती हूँ तो साथ में आपका चैप्टर भी लिखती हूँ। तो चैप्टर 25 में हमने जो टॉपिक किया था वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 यानी कि भाग 5, जिसमें हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग 5 में पार्ट 5 में क्या दिया गया है, आपके यूनियन यानी कि संघ के बारे में बताया गया है, जिसमें हमने देखा था कि यूनियन और जो संघ के बारे में जो पार्ट 5 में बताया गया है, इसमें जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल नंबर 52 से 151 में। और इसमें हमने फिर आर्टिकल 52 से लेकर 151 जितने भी हमने आर्टिकल देखे थे, इसको हमने क्लासीफाई कर लिया गया था डिफरेंट कैटेगरीज में समझने के लिए, जिसमें से एक कैटेगरीज थी हमारी आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 71 में। और इसमें हमने देखा था कि इसमें क्या बताया गया था, आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी जो बताया गया है उनके इनके कि कैसे इनका निर्वाचन होता है, कैसे चुने जाते हैं, इन पर क्या कैसे आपका इम्पीचमेंट या महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये सब हमने इसमें देखी है चीज़ें, हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो चीज़ें थी, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है, कैसे वे चुने जाते हैं, कैसे उन पर महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड हम लगभग सभी चीज़ें जो है वो कवर कर चुके हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने एक भी चीज़ अभी तक नहीं पढ़ी है। हालांकि जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपके साथ डिस्कस करती रही थी कि यही सेम चीज़ जो आपकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी होती है, उपराष्ट्रपति जी के साथ भी होती है, लेकिन आज हम एक अलग सी वीडियो बना रहे हैं पूरा वाइस प्रेसिडेंट को एक टॉपिक को लेकर स्पेसिफिक, जिसमें बेसिकली हम फोकस रहेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को जो कैसे चुना जाता है, इनका क्या कार्य होता है, और साथ में सबसे पहले देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में इनके बारे में मेनली बताया गया है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपका कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, इसका आर्टिकल नंबर 63 से लेकर आर्टिकल 71 में। तो आर्टिकल 63 से लेकर 71 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, उपराष्ट्रपति के कार्यों के बारे में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कि इनके क्या कार्य हैं, क्या कैसे इन्हें चुना जाता है, इन्हें क्या उन्मुक्तियां मिली हुई हैं, क्या शक्तियां मिली हुई हैं, ये सब हम इनके इसमें इन आर्टिकल में बताया गया है। तो सबसे पहली जो मेन चीज़ हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को या जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं इनको आखिर कैसे चुना जाता है, यानी कि इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस है कि इनको पहले तो कैसे चुना जाएगा, डायरेक्टली चुना जाएगा या इनडायरेक्टली। तो राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता था, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली चुना जाता था। तो सेम प्रोसेस यही है, वही प्रोसेस होगा, मतलब उपराष्ट्रपति को भी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली चुना जाता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, उम्मीदवार बन सकता है। तो सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि 35 वर्ष का होना चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है वो ये कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति जो है बनना चाह उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वो एलिजिबल हो, अर्ह हो किसके लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल हो। अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाए तो पीछे जाए तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है, व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या थी,
सेम एलिजिबिलिटी थी, इंडियन सिटीजनशिप भी होना चाहिए, भारतीय नागरिक 35 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस था वो क्या था कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहिए बनना चाहता है, उम्मीदवार उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना चाहता है, वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो है आपको एलिजिबल होना चाहिए। और चौथी जो कंडीशन वो क्या है कि जो व्यक्ति आपका राज्यसभा का सॉरी वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार के लिए खड़ा होना चाहता है, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत ना हो, मतलब ना राज्य सरकार के अंतर्गत कोई कार्य करता हो और ना ही आपके केंद्र के अंतर्गत कोई कार्य करता हो। तो ये सब तो जो थी हम एलिजिबिलिटी देख देते हैं तीन चार, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है वो जरूरी है। उसके बाद उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या इलेक्शन की जो है प्रोसेस है, कैसे उनका जो है चुनाव होता है। तो जैसे कि राष्ट्रपति के लिए हमने देखा था, राष्ट्रपति को कौन चुनता है, आपको इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा आपके राष्ट्रपति चुने जाते हैं, सेम प्रोसेस है। यहाँ भी उपराष्ट्रपति को भी आपको क्या है, एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर काफी भारी भरकम डिफरेंस है कि जो यहाँ पर निर्वाचक मंडल होगा उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए और जो राष्ट्रपति जी को चुनने के लिए आपके निर्वाचक मंडल है उनमें। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल जो आपके उपराष्ट्रपति जी को चुनेगा उसके लिए जो प्रोसेस होगी, सिस्टम होगी, जो प्रणाली अपनाई जाएगी वो कौन सी होगी, आपकी PRS यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो मिटा रही हूं मैं, प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इस सिस्टम से जो है आपके उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, सेम प्रोसेस अभी तक चल रहा है। राष्ट्रपति जी भी हमारे जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जो सिस्टम है इस माध्यम से चुने जाते हैं। और इसके बाद जो आपकी वोटिंग होती है, मत होता है, वो कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के माध्यम से, यानी कि आपकी जो वोटिंग होती है वो कौन से मत प्रणाली से होती है, एकल संक्रमणीय मत। तो इस तरह से आपके उस उपराष्ट्रपति जो है वो चुने जाते हैं। तो अभी तक जो है आपका सेम है, उपराष्ट्रपति जो चुने जाते हैं राष्ट्रपति की तरह ही, यहाँ पर भी जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की जो सिस्टम अपनाया जाता है, इसके तहत वोटिंग कैसे होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत। अब ये क्या है, ये चीज यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि 30-40 मिनट की पूरी क्लास हो जाएगी, ये चीज रिपीट हो कोई फायदा नहीं, आपका भी टाइम वेस्ट है मेरा भी। अगर आपको देखना है तो राष्ट्रपति जो हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ा था पूरा, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, तो पूरा मैंने 30-40 मिनट की आपकी वीडियो बनाई है कि कैसे ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है जिससे आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो ये जो क्या सिस्टम है वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ ये समझ लें कि जो राष्ट्रपति की प्रणाली अपनाई जाती थी राष्ट्रपति को चुनने में, सेम वही जो प्रणाली है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से उपराष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। लेकिन डिफरेंस आता है आपके इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल में। राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचक मंडल था, इलेक्टोरल कॉलेज था, उसमें हमने तीन कैटेगरी देखी थी, साइड में यहाँ पर मैंने आपकी तीन, अगर याद हो, फ्लो चार्ट बनाया था और यहाँ पर तीन कैटेगरी लिखी थी, अगर जो जिसने वीडियो देखी उसको याद होगा, जिसमें हमने सबसे पहले लिखा था कि लोकसभा और राज्यसभा। तो
तो लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स भाग लेते हैं, लेकिन किन्हें छोड़कर? उन मेंबर्स को लेकर जो कि आपके क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स है, यानी कि जो नामांकित मेंबर्स है, तो उन्हें छोड़कर बाकी जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वे सभी एलिजिबल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए। और दूसरा हमने देखा था राष्ट्रपति के चुनाव में कि दूसरी लिस्ट में कौन आते थे, कि सभी जो आपके जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य विधानसभाएं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो आपके विधानसभा सदस्य हैं, और लेकिन वो विधानसभा सदस्य जो कि निर्वाचित होकर आए हैं, नामांकित या नॉमिनेटेड मेंबर्स को छोड़कर सभी निर्वाचित सदस्य हैं, वो भी राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग ले सकते थे। तीसरी लिस्ट में हमने देखा था कौन, जो आपकी दो यूटीज है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी में आपकी क्या है, विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इनमें से भी जो आपके निर्वाचित सदस्य है, केवल निर्वाचित सदस्य, उनके नॉमिनेटेड मेंबर्स को छोड़कर वे भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते थे। ये तो था राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति जो कि आपका निर्वाचित मंडल जो कि राष्ट्रपति को चुनता था। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको दोनों को साथ साथ डिफरेंस बता रही हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए और आपका रिवाइज भी हो जाए। तो इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचित मंडल जो वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है, उसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो आपके पार्लियामेंट के दोनों सदन है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों ही सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के आपके सभी मेंबर्स, फिर चाहे वो आपके इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, चाहे वो आपके निर्वाचित सदस्य हो या नामांकित सदस्य हो, तो सभी सदस्य जो है आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, यानी कि वे सभी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल आपके कौन आते थे, केवल निर्वाचित सदस्य, लेकिन यहाँ पे निर्वाचित सदस्य तो होते ही है, साथ में नामांकित नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। तो यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी जो सदस्य हैं वो आपके भाग ले सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में न तो आपका दूसरी कैटेगरी में उपराष्ट्रपति के चुनाव, दूसरी कैटेगरी में राष्ट्रपति के चुनाव में हमने किसको शामिल किया था, राज्य विधानमंडल यानी जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके सदस्यों को, तो वो भी शामिल नहीं होते हैं। और साथ ही तीसरी जो कैटेगरी थी राष्ट्रपति के चुनाव में, उसमें हमने शामिल किसको किया था, आपके दो यूटीज दिल्ली और पुडुचेरी जो राज्य विधानसभा है, इनके निर्वाचित सदस्यों को, तो ये भी आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो इसमें जो है केवल आपका लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचित मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन नहीं लेता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब तो ये हो गया कि कैसे उपराष्ट्रपति जी को चुना जाता है, पहले तो ये सिस्टम के द्वारा, और उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन जो है भाग लेता है जो कि इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचित मंडल में शामिल होता है। उसके बाद देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जी को, यानी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर ये अपने आप अपना रिजाइनेशन लेटर दे दे, त्याग पत्र दे दे, तो ठीक है। उसके अलावा अगर इन्हें हटा दिया जाए तो कैसे इनको इनके पद से, उपराष्ट्रपति के पद से, वाइस प्रेसिडेंट के पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो उसका पूरा सिस्टम देख ले तो क्या है। तो अगर उपराष्ट्रपति जी को हटाना है तो उसके पहले, तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, सॉरी तो सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए आपको 14 दिन का जो नोटिस है वो देना चाहिए। तो 14 दिन पहले, 14 डेज पहले आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी राष्ट्रपति जी को हटाने, उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए। तो 14 दिन पहले, 14 डेज पहले उपराष्ट्रपति के हटाने के लिए एक आपको क्या होगा, संकल्प पारित करना होगा, एक रेजोल्यूशन जो है वो पारित करना होगा 14 डेज पहले। तो ये चीज याद रखें, 14 डेज पहले आपको सूचना देनी होगी एक रेजोल्यूशन या संकल्प के माध्यम से उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए। दूसरा है, जो संकल्प पारित किया जाता है
रेजोल्यूशन पारित किया जाता है उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए, ये केवल आपके कहां पारित किया जा सकता है? केवल और केवल राज्यसभा में पारित किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को हमने देखे तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपका जो रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है, संकल्प है, वो कहां पारित किया जा सकता था? वो किसी भी सदन में, चाहे आप लोकसभा में पारित कर दे या फिर राज्यसभा में पारित कर दे। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको जो प्रस्ताव है, संकल्प है, वो केवल आप कहां पारित कर सकते हैं? राज्यसभा में। और उसका आधार क्या होना चाहिए राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए? तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो उचित समझा जाए, मतलब राज्यसभा के सदस्य तय करते हैं कि किस आधार पर जो है उपराष्ट्रपति जी को हटाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति को हम देखें तो राष्ट्रपति के बारे में संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है महाभियोग के प्रोसेस के द्वारा। लेकिन उपराष्ट्रपति के जो हटाने के लिए पूरा डिपेंड करता है राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा, यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स पर डिपेंड करता है वो कि किस आधार पर उन्हें हटाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें राज्यसभा में ही संकल्प या रेजोल्यूशन पारित किया जाना चाहिए। उसके बाद तीसरी जो चीज आपको देखनी है इसमें वो ये है कि क्योंकि राज्यसभा में ही आपका प्रस्ताव आता है उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए, तो उन्हें हटाने के लिए जो आपके राज्यसभा के समस्त सदस्य की संख्या है, तो टोटल कितने मेंबर्स होते हैं आपके राज्यसभा में? 245, है ना? तो 245 मेंबर्स होते हैं, तो समस्त सदस्य संख्या का बहुमत, तो इसका बहुमत क्या होगा? तो उसका हाफ होगा आपका 122, और उसका बहुमत कर लीजिए आप 123। तो इतने सदस्य या इससे अगर अधिक सदस्य ये वोटिंग कर दे कि यस, कि ये जो संकल्प पारित किया गया है उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट कि वो ठीक है, यानी कि उनको हटा दिया जाना चाहिए, तो इसके फेवर में अगर 123 सदस्य या इससे अधिक जो राज्यसभा के सदस्य है अपनी वोटिंग दे देते हैं, तो यहाँ से जो है आपका संकल्प है पारित मान लिया जाता है। उसके बाद ये संकल्प आपका कहा जाता है, ये प्रस्ताव आपको जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में आपका केवल जो सिंपल बहुमत, यानी कि सरल बहुमत से आपका जो है सिंपल मेजोरिटी से अगर प्रस्ताव पारित हो गया है, तो उपराष्ट्रपति को उसी दिन से अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा, यानी कि उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसमें याद रखना है आपको कि हमेशा जो रेजोल्यूशन पास होता है उनको हटाने के लिए केवल और केवल राज्यसभा में ही होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज याद रखें। राष्ट्रपति से कंपेयर करें तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में आपका जो है संकल्प लाया जा सकता है उन्हें हटाने के लिए। तो ये था उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर वाइस प्रेसिडेंट के कार्य क्या है। तो सबसे पहले जो इनका मुख्य कार्य है कि ये आपके पदेन सभापति के तौर पर कार्य करते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के उपेन सब राज्यसभा के पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में जो है आपके राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट कार्य करते हैं। लेकिन चाहे ये आपके राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए वैसे तो इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, केवल आपके पदेन सभापति होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा जो प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा में जिसमें जो वोटिंग है वो पक्ष और विपक्ष में आपके एक समान हो जाए, इक्वल अगर वोटिंग हो जाए, टाई हो जाए, तो उस दौरान जो है आपकी निर्णायक जो मत होता है, आपके फाइनल जो वोटिंग होती है वो कौन कर सकता है? आपके पदेन सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, तब आपके राज्यसभा में वोटिंग करते हैं। तो पहला तो उनका जो कार्य है वो क्या है, पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। दूसरा जो हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था, जब हमने राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में देखा था, उनके फंक्शंस के बारे में देखा था, तो हमने देखा था कि अगर राष्ट्रपति जो है अपने पद पर नहीं रहते हैं, मतलब वो असमय किसी भी टाइम पर जो है अपना त्याग पत्र दे दे, रिजाइनेशन लेटर दे दे, या फिर उन्हें महाभियोग द्वारा अगर हटा दिया जाए, या उनकी वो अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनकी तबीयत ठीक है, या फिर वो देश से बाहर गए हुए हैं,
तो किसी भी कारणवश अगर वो अपना पद नहीं संभाल रहे हैं, राष्ट्रपति जी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पर कौन उनके स्थान पर कार्य करता है, तो उस समय आपका वाइस प्रेसिडेंट का ये कार्य होता है कि राष्ट्रपति जी के सारे जो कार्य हैं वे संभाले, उनको भली भांति करे। तो ये होते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो मेन दो कार्य वो होते हैं। तो इतना सा आपको जानना था उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहले तो हमने देखा है कि इनके बारे में जो बताया गया है आर्टिकल 63 से 71 में। उसके बाद हमने देखा कि एलिजिबल कौन कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, डिफरेंस आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार को जरूरी था लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए था, लेकिन राज्यसभा में क्या जरूरी है, आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, तो ये डिफरेंस है। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। तो सेम प्रोसेस है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति का भी होता है और उपराष्ट्रपति का भी सेम प्रोसेस से आपका चुनाव होता है। PRS प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, हिंदी में हम क्या कहते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जिससे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आपके उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का ही इस प्रोसेस से जो है चुनाव होता है। डिफरेंस आता है दोनों के चुनाव में कहां पर, निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल कॉलेज में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन थे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल कौन भाग लेता है, आपके जो संसद पार्लियामेंट सेशन है, ये जो पार्लियामेंट के जो आपके दो सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, तो इनके सभी सदस्य चाहे वो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं या फिर नॉमिनेटेड है, चाहे निर्वाचित हैं या आपके नामांकित हैं, तो सभी सदस्य जो है आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, यानी कि यही सब मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल बनाते हैं उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए। और लास्ट में हमने देखा कि इन्हें किस प्रकार से जो है हटाया जा सकता है, और इसमें इस मेन चीज आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, याद रखनी है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमेशा प्रस्ताव है राज्यसभा में ही लाया जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। और कोई भी टॉपिक आपका पीछे छूट गया है, नहीं देख पाए, तो चैप्टर वाइज लिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट सब्जेक्ट के फोल्डर्स हैं, वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पर ही हमारा दक्षता अकेडमी का अकाउंट है, वहां जाकर आप दक्षता अकेडमी सर्च करेंगे तो आपको अकाउंट मिल जाएगा, सेम लोगो लगा हुआ है, तो आप वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।